जीएसटी इनवॉइस बनाने के टाइम पे अक्सर लोग गलती कर देते हैं, एचएसएन गलत लिखा जाता है या जीएसटी का रेट गलत लग जाता है, या वो सीजीएसटी लगना चाहिए या एसजीएसटी लगना चाहिए, आईजीएसटी लगना चाहिए, उसमें भी गलती हो जाती है। बाइक का नाम और एड्रेस लिखने में भी हमेशा गलती हो जाती है और बार बार लिखना पड़ता है, उससे भी काफ़ी परेशानी आती है। अमाउंट इन वर्ड लिखने में भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। एक बार अगर आपने पार्टी का मास्टर जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, प्लेस, पिन कोड, स्टेट और जीएसटी नंबर आपने डाल दिया, और साथ ही साथ में आपने आइटम का मास्टर बना दिया जिसमें आइटम का नाम, एचएसएन कोड और जीएसटी का रेट और यूनिट, मतलब किस यूनिट में वो आपका आइटम है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बाहर का नाम लिखना है, तो आप स्टार्ट करेंगे जैसे किसी पार्टी का नाम आपको लिखना है, बीए से स्टार्ट होती है, तो बीए किया आपने, देन आपने एरो किया, जो कंपनी आपको लेनी है वो कंपनी का आपने सिलेक्शन किया, तो ऑटोमेटिक उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया है और उसका जीएसटी नंबर आ गया और स्टेट का कोड भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह आपको यहाँ पे आइटम लेके आना है। सपोज अगर आपको कोई आइटम लेना है तो यहाँ पे शुरू के 2 या 3 अक्षर आप टाइप करिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाइए और आप उसका प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑटोमेटिक देखें, आप एचएसएन कोड आ गया, उसका जीएसटी का रेट आ गया और नंबर से वो आ गया। इसके बाद आपको क्वांटिटी लगानी है, सपोज का उसमें एक एक क्वांटिटी उसको चाहिए, रेट उसका तो सपोज 25,000 है। अगर आपको डिस्काउंट देना तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं देना तो आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी गिनती यहाँ पे आ गई है, और साथ में वो आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे गिनती हो गया गई, क्योंकि आपका कोड यहाँ पे 28 है और पार्टी का कोड यहाँ पे 26 है, स्टेट का कोड, इसीलिए यहाँ पे आईजीएसटी लग रहा है। यही चीज अगर आपका अगर इंटरेस्टेड होता तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब मैं यहाँ पे कोई पार्टी का नाम चेंज करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे बाल गोपाल करके कंपनी का नाम दिया, जो कि 28 इसका स्टेट कोड अपनी कंपनी का है और सामने वाली कंपनी का 28 है, तो ऑटोमेटिक इसने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया है। इस तरह से आपको टेंशन की करने की जरूरत नहीं है कि आपको जीएसटी लगाना है, आईजीएसटी लगाना है। इस तरह से आप दूसरा आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने ईएम लिखा, यहाँ पे ईएम से नाम से जो भी आइटम वो सामने आ गए, उसका ऑटोमेटिक एचएसएन कोड आ गया, आप क्वांटिटी लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी आगे आ गई। आप एक लाइन छोड़ के भी आप आइटम का कोड लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ANK, यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे 3 नंबर आ गया। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी आ गई और ऑटोमेटिक टोटल भी यहाँ पे लग गया, इसका वेरिफिकेशन भी यहाँ पे आ गया, रुपीज इन वर्ड्स भी ऑटोमेटिक आ गया, और इस तरह से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ये भी आगे और भी कुछ जरूरी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इनवॉइस बनने के बाद में आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। पीडीएफ में सेव करने के कई तरीके हैं, मैं आपको इसमें से 2-3 तरीके भी बताने वाला हूँ। अगर आपके पास में लेटेस्ट एक्सेल है तो आपके पास में सीधा एक्सपोर्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आप फाइल में जाएंगे, फाइल देन यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करेंगे तो सीधा आपको यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस बटन आ जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको उसका नाम देना है, आप नंबर वन नाम वन दे दीजिएगा, पब्लिश कर दीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पे पीडीएफ में सेव होके इनवॉइस आ जाएगा। पीडीएफ में सेव करने का दूसरा तरीका, आपको फाइल में जाना है, सेव एज करना है, जहां भी आप सेव करना चाहें उसका अपडेट वो दे दीजिए, और यहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इस पीडीएफ ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फाइल का नाम आपको दे देना है, सेव कर देना है, ये आपकी फाइल सेव हो गई है। दोनों ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ को फाइल करके, प्रिंट करके, प्रिंट के अंदर भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ करके आप यहाँ पे भी इसको इस तरीके से भी आप सेव कर सकते हैं,
जैसे आप ये करेंगे आपको प्रिंट ऑप्शन को प्रेस करना है, यहाँ पर आपको फाइल का नाम पूछ लेगा कि आपको कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। मैं इनवॉइस वन के नाम से इसको सेव करता हूँ, थ्री के नाम से सेव कर रहा हूँ, ये फाइल आपके यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव हो गई है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कई तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं फाइल को। अब अगर आपको नया इनवॉइस बनाना है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है और आप नया इनवॉइस बना पाएंगे। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे ब्लैंक इनवॉइस हो जाएगा। देखिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, एक एक जगह पर जाकर डिलीट वगैरह कुछ भी, और आपका इनवॉइस ब्लैंक हो गया। आपको नई पार्टी और नया आइटम मास्टर आपको इस मास्टर में जाके आपको एड करना है। वो कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। आपको उसके नीचे आना है लिस्ट के और आपको ऐड कर देने का, जैसे मैं भी ऐड करता हूं। ये आपने ऐड कर दिया, एड्रेस आपने ऐड कर दिया, उसका जीएसटी नंबर भी आपने ऐड कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना इसके वाला, साथ में आपको यहाँ पे इसको सॉर्ट कर देना का नेम के ऊपर, आप नेम में सॉर्ट कर पाएंगे। A to Z रखना आपको कंपनी के नेम पर सॉर्ट करना है, ये पार्टी ऊपर चली जाएगी अपने जगह पे पहुंच जाएगी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो मैंने पार्टी ऐड करी थी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप देखें मैंने भी अशोक कुमार कंपनी यहाँ पे ऐड करी थी, यहाँ पे आ गई है। ठीक इसी तरह से आपको आइटम मास्टर में जाके आपको यहाँ पे आइटम का नाम ऐड करना है, उसके बाद उसको सॉर्ट कर देने का, वो आपको वहाँ पे सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाएगी। इस एक्सेल फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है, डाउनलोड करके अपना लोगो, अपने कंपनी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर और सिन नंबर वगैरह लिख के आप इस इनवॉइस को एक्सेल फाइल को यूज़ कर सकते हैं। और ये सब फॉर्मूला कैसे काम कर रहे हैं या ये एक्सेल शीट कैसे बनी है ये आपको समझना है, जानना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। वो वीडियो ज़रा लंबी है, अगर आपको रियल में इंटरेस्ट है और आपको रियल में ये सारे फॉर्मूले कैसे बने हैं, कैसे आए हैं वो समझना है, तो आप उस लिंक पे जाइए और पूरी वीडियो देखिए। ये वीडियो और एक्सेल फाइल आपको कैसे लगी इसका कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।